हूँ कि जो समाजवादी पार्टी की विचारधारा है और जो सभी समाज को लेकर चलने की जो आज बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये लोग बात तो करेंगे लेकिन कोई कार्य नहीं करेंगे। ये लोग जातिगत गणना नहीं कराएंगे, जिसकी लगातार मांग रही है सरकार द्वारा। और मेरा मानना है कि आने वाले उपचुनाव में सरल से ही नहीं, पूरे प्रदेश में जहाँ 9 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और जहाँ 10वीं सीट पे चुनाव कराने की बात ये लोग नहीं कर पा रहे हैं, जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, वो एक विधानसभा में साथ में चुनाव नहीं करा पा रहे हैं, तो इनकी दोगली बातों को दर्शाने वाला काम है। मैडम, 19 मैं समझती हूँ समाजवादी पार्टी कार्यालय द्वारा जारी की गई है, तो ठीक है। यहाँ पे बीजेपी ने अपने ही रिश्तेदार को मैदान में उतारा, मैं समझती हूँ यह एनडीए और पीडीए की लड़ाई और यह विचारधारा सिद्धांतों की लड़ाई और यह हमारे संविधान को जहाँ बचाने की लड़ाई है, वही आज जो हालात पूरे प्रदेश में है, जहाँ लगातार हमारे युवा बेरोजगार है, जहाँ हमारे किसान परेशान हैं, जहाँ हमारी माताएं सुरक्षित नहीं हैं, जहाँ लगातार अन्याय हो रहा है सभी के खिलाफ, सभी के साथ अन्याय जो हो रहा है, ये उसकी लड़ाई है। और इस लड़ाई में मेरा मानना है कि पूरा करल एकजुट होकर दिखाई देने वाला। प्रयोगशाला में नारे बनाए गए हैं और नारे मुख्यमंत्री के द्वारा दिए जा रहे हैं, सभी इनके सबसे बड़ी प्रयोगशाला में सबसे बड़ा जो प्रयोग किया गया इनके द्वारा, और जो भ्रम की राजनीति और जो देश को बांटने की राजनीति जो करी गई भाजपा के द्वारा, वो आज सभी लोगों के सामने उजागर है। और हमने पिछले चुनाव में देखा है कि कैसे सभी लोग भ्रष्ट है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने बीजेपी को हराने का काम किया। मैडम, लगातार आरोप लगता रहता, ये भाजपा भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रहे परिवार में, खुद ही राह पर चल पड़े। मैं समझती हूँ भारतीय जनता पार्टी की, अगर हम लोग सभी सांसद लोगों को देखे या मुख्यमंत्रियों को देखे, तो हम अगर आकलन करेंगे तो सबसे बड़ा परिवार अगर कहीं नजर आता है तो भारतीय जनता पार्टी में नजर आता है। और ये जैसे मैंने पहले ही कहा, ये एनडीए वर्सेस पीडीए की लड़ाई और मजबूती के साथ पीडीए लड़ेगा लड़ाई। उत्तर प्रदेश के सीएम ने एक निर्देश जारी किया है खासकर डीएम और कमिश्नर के लिए कि जमा ऋण और या इस तरीके के उद्योगों को जो जिला अधिकारी या कमिश्नर सबसे ज्यादा उनका उनके यहाँ आएंगे, उनको रैंकिंग के आधार पर वो दी जाएगी। समझती हूँ जहाँ हजारों करोड़ रुपए की बात हुई थी कि निवेश आ रहा है प्रदेश में, एमओयू साइन हुए थे लाखों करोड़ रुपए के, तो आज वो एमओयू का क्या स्थिति है? मैं समझती हूँ मुख्यमंत्री जी को यह समझ आ गया है कि एमओयू खाली हवा हवा की बातें थी, आज धरातल में कोई काम नहीं हो रहा है, आज किसानों को खाद नहीं मिल रही है, आज ओवर स्टॉकिंग हो रही है। तो मैं समझती हूँ अब बहुत देरी हो चुकी है, क्योंकि यह कार्य जो सरकार करती है और जो आज इनको समझ आ रहा है कि पूरी तरह अपनी कही हुई बातों में विफल साबित हुए हैं। जनता तैयार है ऐसे लोगों को, ऐसी सरकार को हटाने के लिए।